हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सर। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहने की सुरुचि सुभाष सरस अनुराग इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है। आपको बताना है सुरुचि सुभाष सरस अनुराग में कौन सा अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका देखिए सा 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 वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ पर एक ही वर्ण की कई बार आवृत्त होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सा सा वर्णों की आवृत्ति होने पर यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आइए अगला देखते हैं, कहेंगे कवि प्रिया किस रीतकालीन कवि की रचना है। तो ये जो कवि प्रिया है ये किसकी रचना है बताना है, कहेंगे बिहारी मतिराम घनानंद या केशव दास। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। कवि प्रिया के लेखक कौन है, केशव दास। अगला प्रश्न है, कहेंगे निम्नलिखित में कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। इसमें आपको बताना है कि देखिए नहीं वाली बताना है, कहेंगे रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली या साहित्य लहरी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए नहीं वाला पता, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की है, किसकी रचना, सूरदास की है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह कि गंगा जल में कौन सा समास है, गंगा जल में कौन सा समास है। तो गंगा जल का आप समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा जाए, इसमें आपका क्या है, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें जो है उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और अंतिम पद क्या होता है, गौण होता है, उसे हम इसमें जो है विभक्ति का लोप हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो यहाँ देखिए का जो है आपका विभक्ति है, तो गंगा का जल, तो इस प्रकार आपका यहाँ डी नंबर सही है। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या, पहले शब्द में क्या लगा रहता है, अव्यय लगता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, अंतिम पद संज्ञा या विशेष होता है, और द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, कहने की स्वार्थी का संधि विच्छेद, चलिए अभी बताइए स्वार्थी का संधि विच्छेद इसमें कौन सा हो जाएगा। कहने की स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी या स्व प्लस थी या स्व प्लस अर्थी, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी दीर्घ स्वर संधि। तो क्या भाई, एक छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या हो जा रहा है, बड़ा, तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहने की तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है। बताइए तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तो सही क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर बेर बेर, तो यहाँ पे जो बेर दो बार आया है, तो बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करें अतिशयोक्ति यमक रूपक या उपमा अलंकार, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है बेर का दो बार प्रयोग हुआ है, पहले तीन बेर तीन बार मतलब तीन बार खाते थे संकेत करता है, तथा दूसरी जो है बार जो है तीन बेर जो है संकेत करता है क्या, तीन फल। ठीक है, तो इस प्रकार शब्द का के जो है बेर शब्द दो बार आने के कारण यहाँ अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो बी नंबर सही हो जाएगा, यमक अलंकार। देखिए जहाँ पर एक ही शब्द आए, एक शब्द कई बार आए और उनका अर्थ जो है अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पर यह मतलब, तो यहाँ एक बार तीन बेर का मतलब तीन बार खाती थी, और यहाँ एक तीन बेर का मतलब है एक फल है, क्या है, फल, बेर समझते हैं भैया, तो एक तीन बेर का मतलब एक फल, ठीक, तीन बार खाती, और यहाँ एक बार तीन बेर खाना खाती थी, तो अलग अलग जो है इनका
बेर का अर्थ होने के कारण यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे कि रेखांश किस संधि का उदाहरण है। चलिए भाई, रेखांश किस संधि का उदाहरण, तो देखिए पहले इसका समान संधि विच्छेद करिए, रेखा प्लस अंश, तो क्या हो जाएगा रेखांश, रेखा तो बड़ा प्लस छोटा, क्या मिला भाई बड़ा हो मिला हमको, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर चला जाएगा, रेखांश में जो है आपका दीर्घ संधि है। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि शयन का सही संधि विच्छेद बताइए। चलिए भाई, शयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, से प्लस अन जो है शयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी कौन संधि है, अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। अगला देखते हैं, कह रहे कि गगन चुंबी किस प्रकार का समास है, तो गगन चुंबी का आप समास विग्रह करेंगे तो गगन को चुमने वाला, तो कौन सा यहां पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां कौन सा जाएगा, सी नंबर चला जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है, कहने कि ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कहने कि कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र, संतोष करना, बताइए भी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कभी कभी दिखना, तो ईद का चांद होना कभी कभी दिखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, कह रहे हैं कि इह लोक का विपरीत तार्थक शब्द आपको बताना है, आपको इसका इह लोक का विलोम बताना है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इह लोक का क्या हो जाएगा विपरीतार्थक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर लोक। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, तो आपको वर्तनी के आधार पर यहाँ शुद्ध शब्द वाला बताना है, कह रहे कि ईसाई, देखिए ईसाई आपका अशुद्ध है, ऊंचाई अशुद्ध है, अनुयायी अशुद्ध है, आपका शुद्ध कौन सा है, अनिष्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, देखिए ईसाई तो बड़ी ई रहेगा, ईसाई ठीक है, ऊंचाई तो बड़ा ऊ रहेगा, ऊंचाई और आपका अनुयायी होता है, अनुयायी ठीक है, तो इस प्रकार ये शुद्ध हो जाएंगे आपके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि श्री गुरु चरण सरोज रज, देखिए यहाँ पे आपका रज पे हलंत लगा दीजिए, निज मन मुकुर सुधारी बरनह रघुबर विमल जसु, यहाँ पे आपका हलंत लगा, जो दायक फल चारी, तो उपरोक्त पंक्ति में छंद का प्रकार है, तो इसमें आपसे बताना है कौन सा छंद है, तो कौन सा, कहीं दोहा है, सुराठा है, चौपाई है, बरवा है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें मात्रा आपको गिनना, देखिए मात्राएं कैसे गिनी जाएंगी, देखिए छोटा आ के लिए एक मात्रा गिनेंगे, छोटी के लिए एक, छोटा ऊ के लिए एक मात्रा होती है, री के लिए एक मात्रा होती है, और छंद की बिंदी के लिए एक मात्रा, देखिए अन के लिए बिंदी जो अन होता है उसके लिए, तो बड़ा बड़ा ऊ ठीक, बड़ी ओ ए आई, ये इनके लिए आपके क्या मात्रा होती है, दो मात्राएं गिनते हैं, तो चलिए गिन लेते हैं, देखिए कह रहे हैं कि देखिए श्री में आपकी कितनी है, यहाँ लिख रहे हैं दो मात्राएं हैं, ठीक है श्री में, गुरु गुरु में देखिए गा में छोटा छोटा मंत्र एक मात्रा, और राम में छोटा मंत्र एक मात्रा, चरण में देखिए एक 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 है, और सरोज में एक दो एक है, और रज में एक एक है, तो गिन लीजिए, तो दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह, तो मतलब कि पहले चरण में यहाँ रज तक पहला चरण हो गया ना, तो चार चरण है इसमें, तो पहले तक देखिए चार तेरह मात्राएं हो गई, दूसरे में गिनिए तो निज में देखिए निज में तीन हो दो हो गई, छोटी मात्रा है, और जा है तो दो, और मन में दो मतलब कि चार हो गई, चार ये में इसमें भी आपकी एक एक ही तीन, चार तीन सात, और सात सुधारी में देखिए सात ए आठ धा बड़ा है दुई और रा ग्यारह, तो ग्यारह हो गई ठीक, तो इस प्रकार आपको गिनना है, तो देखिए आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ पे आपका दोहा ही होगा, क्यों भाई दोहा ही होगा क्योंकि जो पहले चरण में आपका तेरह मात्राएं हैं और दूसरे में ग्यारह हैं, तो आप जानते हैं कि पहले चरण में और तीसरे चरण में क्या होती है, दोहा में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं, ठीक है तेरह तेरह मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती है ना, तो इस प्रकार आपका दोहा यहाँ पर हो जाएगा, तो ऐसे मात्राएं आप गिनना जरूर सीख लीजिएगा, वहाँ पे इनमें मात्रा से ही पता चलेगा, ठीक है।
चलिए अगला है, कह रहे कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारज नयन, करहू सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर चयन। तो देखिए इसमें आप लास्ट में गिनिए, तो देखिए इसमें आप गिनेंगे तो आपका क्या आएगा, सुराठा आएगा। क्या आएगा? सुराठा। तो इसमें दोहा का उल्टा क्या होता है? सुराठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो विषम चरण में मतलब कि पहले और तीसरे में 11-11 हो जाएंगी, 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, और आपका दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये क्या होता है? दोहा का उल्टा सुराठा होता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। ठीक है, अगला है, कह रहे कि तमस किसकी रचना है, तो बताइए भी तमस किसकी रचना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तमस ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बी इसमें साहनी की तमस रचना है। अगला है, अगला कह रहे कि बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नागा अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर देखिए बटेश्वर है, बटेश्वर। ठीक है, तो बाबा बटेश्वर के रचनाकार कौन है? नागा अर्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आपको यहां पर बताना है कि करें अवध शिला का उर पर था, उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें बरवा है कि रोला है कि हर गीत का है कि सुराठा है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये हलंत नहीं रहेगा, यहाँ गलत लगाया तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है यहाँ पे रहेगा और यहाँ थी पे। ठीक है, तो आपको अब इसको सही बतलाना है कि इसमें कौन सा है। ठीक है, कह रहे कि बरवा आपको बताइए कौन। तो पहले देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, इसमें बरवा है। ठीक है, तो अवध शिला का उर पर था। देखिए बरवा क्या होता है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है। ठीक है, 12-12 कैसे? पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं एवं दूसरे एवं चौथे में चरण में 7-7 मात्राएं होती है। याद हो गया भाई? तो बरवा क्या है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके जो है चार चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका गिन लीजिए। देखिए अवध में आपका ये अवध 3 हो गया, शिला में भी 3 हो गया, 3-3 6 हो गया, का में 2 हो गया, 2 मात्राएं होती हैं का में। ठीक, तो 6-2 8 हो गया, और उर में भी 2 तो 10 हो गया, पर में 2 तो 12 हो गए। तो इसी प्रकार आपको गिन लेना है। ठीक है, तो आप यहां बरवे में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर ऐसे याद रखिए यार, बरवे कह रहे हैं ना, बरवे मतलब 12-12 तो मात्राएं 12-12। ठीक, पहले और तीसरे में। ठीक, आपको ऐसे भी मिल सकता है परिभाषा में सम विषम, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो 12-12। ठीक है, 12 मतलब 12-12। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। तो झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, कह रहे कि मोहन को कुछ रुपए चाहिए थे वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा? कह रहे कि कुछ रुपए चाहिए मतलब कैसे है? कुछ तो आपका विशेषण आपके चार प्रकार के हैं, तो बताइए तो कौन सा? कह रहे अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कह रहे कि कुछ चाहिए ना, अब ये नहीं पता कितना चाहिए, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। कह रहे कि माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो बताइए। कह रहे सिरदर्द होना, माथा घायल होना, सोचना या संदेह होना। तो कह रहे कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, माथा ठनकना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? संदेह होना। अगला है, कह रहे कि मनोहर में कौन सी संधि है, मनोहर में कौन सी संधि है? तो कह रहे कि मना प्लस हर, तो मनोहर। ठीक है, मनोहर, तो आपका कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी सी नंबर सही हो जाएगा, विसर्ग स्वर संधि, सॉरी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि स्वर का पाठ नहीं है, एक खुद ही संधि है विसर्ग, 3 प्रकार की संधि है, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, देखिए विसर्ग के बाद अगर छोटा का मंत्रा हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, आ जाता है, तो ओ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मनोहर आ जाएगा। अगला है, कह रहे कि संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? संतोष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा?
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, सम प्लस तोस। तो कौन सी आसन दिया है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि यज्ञशाला, यज्ञशाला किस समास का उदाहरण है। तो यज्ञशाला का समास अभी क्या करेंगे, तो यज्ञ के लिए शाला, तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ आपका, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला है, कह रहे त्रिभुज में कौन सा समास है, तो आप देखिए त्रि है प्लस भुज है, ठीक, तो जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करण में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या देखिए, बाजी है, तुरंग है, देखिए हरी नहीं है, हरी किसका है, विष्णु का है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए नहीं वाला आपसे पूछा गया था, कह रहे जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा बताइए, कह रहे निस्तेज होगा, तेजस्वी होगा, तेजी होगा, तीव्र होगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा, निस्तेज होगा, जिसका तेज समाप्त हो गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निस्तेज। अगला है, कह रहे कि आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है, आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुरी तरह पछताना, बुरी तरह पछताना। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे कि निम्न में से मात्रिक छंद नहीं है, तो बताइए भी मात्रिक छंद वाला नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आप देखें चौपाई, रोला, हर गीत का, ये आपके मात्रिक छंद है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा, सवैया, जो सवैया है यह वर्णिक छंद है, कैसा छंद है, वर्णिक छंद है, तो इस कारण आपका यहाँ पर मात्रिक छंद नहीं वाला पूछा है, तो आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो इसके प्रत्येक चरण में जो है 22 और 26 वर्ण होते हैं, चौपाई, रोला और हर गीतिका मात्रिक छंद है, ठीक है। अगला है, देखिए अगला है, कह रहे कि निम्न में कौन वर्णिक छंद है, देखिए नहीं वाला पूछा है, नहीं आपको बताना है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंडलियां जो है ये आपका मात्रिक छंद है, और कवित्त, मालिनी, मद्रा, कांता, ये जो है आपका क्या है, ये जो है वर्णित छंद है, वर्णित छंद है, ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है, अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ होगा, तो सही ऑप्शन यहां पर कौन सा हो जाएगा, कह रहे कि गगरी में छेद होना नहीं, व्यर्थ कार्य करना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, दूर से पानी लाना, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, कौन सा सी नंबर सही हो जाएगा, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, तो अध जल गगरी छलकत जाए का सही कहावत का अर्थ होगा अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची है, तो आपको यहाँ सूर्य का पर्यायवाची इसमें बताना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, दिव्यांश जो है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है। अगला है, आप देखिए कह रहे कि 71 से 72 निम्नलिखित में प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य में शुद्ध रूप है, इसका चयन कीजिए, तो यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए कह रहे कि झूठा गवाही मत देना, तो इसका शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, झूठी गवाही मत देना। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि बचपन से हमने हिंदी बोला है, तो सही इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बचपन से हमने हिंदी बोली है, तो ये आपका ए नंबर शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका गद्यांश है, देखिए इसमें आपके तीन प्रश्न हैं, 73 से 75 तक गद्यांश, इसी गद्यांश को पढ़ना है और इसका जवाब देना, तो आप इसको पढ़िएगा, हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये है थोड़ा से, ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताते हैं, कह रहे कि उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक क्या है, क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, ठीक है। आइए अगला देखते हैं,
इसी ये भी गद्यांश का ही करके भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन है, कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, शब्द रूपी भाषा। देखिए आखिरी प्रश्न है, गूंगे के केरी सरकरा से कबीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति, सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका हो जाएगा, अनिर्वचनीय होती है। तो आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं प्रश्न। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा वीडियो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।